फलक तक चल सारे, फलक तक चल। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं मित। और अभी जो आपने शुरू में टेक्स्ट एनिमेशन देख लिया है, आज मैं इसी स्टैटिक रील्स का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जो कि इंस्टा रील्स पे बहुत ज़्यादा एक भाई का वायरल हो गया, जिनका चैनल का नाम है आयुष जैन 011 इस प्रकार से, तो आप सर्च करके देखना। उनकी वीडियो एक है जो 19 मिलियन व्यूज चला गया। तो इसके लिए बहुत सारे मेरे को इंस्टा में मैसेज आ रहे थे कि भाई इसका एनिमेशन बताओ, जो टेक्स्ट में ऊपर से रेज जैसा निकलता है और उसका एनिमेशन कैसे साथ में हो रहा है जो, तो चलिए सिखाते हैं कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें हम शुरू में लाइट मोशन से काम करेंगे, उसके बाद फिर कैप का टैप की ज़रूरत होगी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पर मैसेज करें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ले, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उस चैनल को भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि उस पर नई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। इस वीडियो बनाने के लिए आगे हमें लाइट मोशन ऐप में, क्योंकि इसी से हम वीडियो बनाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले हमें लाइट मोशन में फिर कैपकट में जाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे, सो प्लस पे टैप करते हैं। आपको 9:16 रेशो सेलेक्ट कर लेना है, 1080p में 60 फ्रेम रेट के साथ, ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको स्टैटिक पिक लानी है कहाँ से, तो पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें सर्च बॉक्स में लिखना है स्टैटिक पिक, बहुत सारी पिक आ जाएगी, आप अपने साउंड के अनुसार देख लेना कौन सा लगाना है, वो पिक आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो जो मैंने डाउनलोड किया वो सब फोटो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लस पे टैप करते हैं, मीडिया में चलते हैं और यहाँ पे जो पिक ये सब डाउनलोड किया सब पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड किया, तो फर्स्ट में ये सिलेक्ट किया था। तो ऐसे करके आप एक एक सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ से इस पर टैप करते हो और एक ही बार में 4-5 सिलेक्ट करना है, इस पर टैप करके रखो, सिलेक्ट हो गया दूसरा पिक ए, तो ऐसे करके मैंने सिलेक्ट किया था, दूसरा नहीं, दूसरा यहाँ पर ए वाला था और तीसरा ये था, तो ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ज़्यादा का नहीं करूँगा, आप कर लेना, देख लेना सबका, जितना पिक आपको लगेगा साउंड में वो लगा लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ऐसे लगाते हो तो एक के ऊपर आपको रह जाएगा, अगर ऐसे लगाते हो तो यहाँ से देख सकते हो कि एक के बाद जैसे फ़ोटो चेंज करना है तो उस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो। तो इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ पर अपना 2 सेकेंड का टाइमिंग है तो वो अपने आप ही लग जाएगा फोटो, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, साउंड की ज़रूरत होगी, तो साउंड के लिए प्लस पे टैप करके ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते हैं और यहाँ पे प्रिंस फाइल को चेंज करके लाइट मोशन फाइल में चलते हैं जहाँ पे मैंने स्टेटस क्रिएट किया था, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। साउंड एक्सट्रैक्ट करने से हल्का सा म्यूट होकर यहाँ पे देख सकते हो बढ़ गया, तो इसे हम कट कर लेते हैं और बाकी इसे को ऐसे खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में नहीं बढ़ता है ना घटता है, तो यहाँ पर जैसा वैसा छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आपको वहाँ तक उनके साथ में फ़ोटो को मिलाना होगा, मैं 3 ही के साथ में बता रहा हूँ, 2 ही बताऊँगा, उतना में समझ जाओगे आप। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट जो लिरिक्स है मेरा कुछ इस प्रकार से, फलक तक चल साथ मेरे ऐसे है, तो फलक तक चल तो एक में लिखेंगे तो उसका जो टाइमिंग है वो लिरिक्स का वो कितना देर रहता है वो देखना होगा, तो वो चल रहता है मात्र 2 सेकेंड का, तो ये फर्स्ट फोटो है जो 2 सेकेंड तक है। अगर आपको कम पड़ता है तो आपको इसको सिलेक्ट करके कट करना होगा, ऐसे यहाँ से कट कर दोगे, अभी हम बैक कर देते हैं, और अगर कट कर लेते हो तो ये फ़ोटो को आपको खींच कर इधर खींचना होगा ऐसे करके, और फिर बराबर मिला के रखना होगा ऐसे करके, लेकिन अभी मेरा 2 सेकेंड का है ही तो 2 सेकेंड रखते हैं। दूसरा फ़ोटो यहाँ से भी, ये भी 4 सेकेंड पे ही रुक जाता है, तो ये सेम टू सेम है, लास्ट फोटो ये है तो वैसे ही हम छोड़ देते हैं, आपको कम करना हो कम करना, जितना साउंड के लिरिक्स के अनुसार आप देख लेना ऐसा करके। अब इतना हो जाता है, जितना फ़ोटो लगाओगे एक लाइन से आप लगा लेना, पहले साउंड का लिरिक्स सुन के कि हमारा सॉन्ग जो लिरिक्स है वो बराबर है या नहीं फ़ोटो के साथ, क्योंकि फ़ोटो के साथ में ही लिरिक्स आपको लगाना है। अब इस सब फोटो को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ग्रुप बना लेना, जितना भी आपका फ़ोटो का लेयर बनेगा सबको सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि मैंने 3 किया था 3 को ही, आपको पूरा का करना है ग्रुप, क्योंकि वो ज़्यादा लेयर बन जाएगा तो बेकार लगेगा लिरिक्स लिखने में भी, और साउंड को हम नीचे रख लेते हैं। अब जो मेरा लिरिक्स है वो लिखना है, तो प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और लिखते हैं पहले फलक तक चल, तो यहाँ पर फलक तक चल ऐसे मैंने लिख लिया। अब यहाँ से इतना हो गया, अब इसको अलाइन कर लेते बीच में, इसमें फॉन्ट कोई भी चेंज नहीं करना आपको, और जो भाई फॉन्ट लगा उसका नाम तो पता नहीं पर इसी के जैसा लग रहा है तो जैसा वैसा छोड़ देते हैं। इसके साइज को यहाँ से 24 कर लेना है
और यहाँ से इसका कलर जो है वो वाइट करना है। वाइट कर लेते हो तो यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ से टिक करना है। अब आपको इसको मूव करना है नीचे जहाँ पे आपको रखना है। स्पेस आप देख लेना कि कितना पे सही लग रहा है, तो इतना पे हम रखते हैं। अब यहाँ से बैक करें। अब आपको ये देखना है कि ये फ़ोटो 2 सेकेंड तक मेरा था, 2 सेकेंड तक साउंड बज रहा है इसका, तो 2 सेकेंड तक ही इस लिरिक्स को रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखना आप, नहीं तो बेकार लगेगा। तो यहाँ तक है, तो इसके साथ में फ़ोटो चल गया और यहाँ पर टेक्स्ट भी इतना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन देंगे, मतलब जो रेज वाला था वो। तो यहाँ पर उससे पहले हमें क्या करना है, इफेक्ट में चल के आर इफेक्ट में सबसे पहले एक इफेक्ट ऐड करना है जो कि आपको मिलेगा टेक्स्ट में। यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग इसको सिलेक्ट करना, प्लस करना है स्टैंडर्ड। अब स्पेसिंग का क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट को अलग अलग कर देगा आपको। तो यहाँ पे मैंने 21% रखा था, 20 भी रख सकते हो। यहाँ पे अलग कर दिया, लेकिन ये तीसरा लाइन दूसरा लाइन बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हरे वाला लाइन को इधर ऐसे खींच लेंगे, इतना तक खींच लेंगे जो कि यहाँ पर पूरा लाइन आ जाए। हो सके तो आप इसे पूरा खींच ही लेना, क्योंकि अगर बड़ा लाइन है तो बार बार करने की दिक्कत ना रहे। तो यहाँ तक हम खींच लिए। अब यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर एनिमेशन देते हैं इफेक्ट में चल के, फिर से आर्ट इफेक्ट में। आपको वो लग रहा होगा रेज इफेक्ट है, लेकिन रेज इफेक्ट नहीं, कलर एंड लाइट में चलते हैं। यहाँ पे आपको देना है रेडियल शैडो, ये रेज है, रेज अलग हुआ, रेडियल शैडो अलग हुआ। इससे भी रेज बना सकते हैं, तो प्लस पे टैप करते हैं और उस रेज में थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लाइट में वाई पे आ जाते हैं। वाई पे माइनस में 100 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे प्लस में 150 कर लेना है। तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा खींच के यहाँ पे 150 पे रोक देना है। तो यहाँ पे पक्का 150 ऐसे। अब यहाँ पे इतना हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स में आते हैं और एक्स में आने के बाद प्लस कर देते हैं 0 पे, यहाँ पे 0 पे। और इसके स्टार्टिंग में आते हैं, प्लस करते हैं और इसे आपको यहाँ से कर देना है 1000। तो यहाँ से हम आगे खींचते हैं ऐसे और 1000 तक जाना है। अभी कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, सब दिखेगा, बस जितना मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाते जाइएगा। तो यहाँ से 1000 करना है, तो 1000 पे मान के चले इतना ही 1000 रख लेते हैं। अब इसके एंड में चलते हैं, इसे अब आपको माइनस में 1000 करना है। तो यहाँ से हम माइनस में 1000 ले चलते हैं, थोड़ा सा और आगे जाना है। तो यहाँ से इतना हो गया। अब इतना हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर इसका कलर जो है आपको वाइट रख लेना है। वाइट रखोगे तो हल्का सा आपको दिख रहा होगा, सो देख सकते हो। अब इसके साइज को यहाँ से हमें 1000 पूरा करना है, तो यहाँ से हम 1000 पूरा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा सा रेज निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो। अभी हम बताते हैं कैसे करना है। अल्फ़ा जो है यहाँ पर 10 है, इसको 100 कर लेना है। तो इसे 100 यहाँ से हम करते हैं जो दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ पर आपको 100 करना होगा, तो ऐसे हम 100 कर लिया। सॉलिडिटी है, इसको आपको कम कर देना, इसे 5 कर लेना है। तो यहाँ से हम इसे 5 पे रोक देते हैं ऐसे। अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फेड, फेड को यहाँ से 100 कर लेना है। तो यहाँ से हम 100 करते हैं ऐसे करके, ये हो गया। अब नीचे चलोगे तो यहाँ पे दिखेगा क्वालिटी, इसको 260 रखा था मैंने, 260 ये ज़्यादा हो रहा है, तो 260 पे हम रोक देते हैं। इसके अनुसार आप रख लेना। तो बस इतना करोगे तो आपका ये जो रेज वाला है, सो यहाँ पे इफेक्ट कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगा और ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए इसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी लेयर पे आएंगे, कॉपी लेयर, और यहाँ से ही दूसरा स्टार्ट होगा। तो इतना पे रखेंगे, आप साउंड का लिरिक्स सुन लेना क्या है। और उसके बाद अब इस फोटो का ड्यूरेशन देखें तो सेम टू सेम उतना ही है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ से, इतना पे रखेंगे और इसके बाद के हिस्से को ड्यूरेशन पर चल के एक कट कर देंगे ऐसे। और इसमें हमें क्या करना है, इसको कहाँ रखना है सो आप देख लेना। तो यहाँ पर ऐसे हम रखते हैं, इसमें लिरिक्स चेंज करना है तो एडिट टेक्स्ट पर चल के यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं और लिखते हैं 7 मेरे। तो यहाँ से लिखते हैं 7 मेरे, ऐसा हमने लिख लिया। सो देख सकते हो यहाँ पे आ गया, लेकिन हम इसको फिट करेंगे अपने लिरिक्स के साइज़ के अनुसार, कहाँ पे रखना है, कहाँ दिखता है, उस प्रकार से आप रख लेना। ये नहीं कि एक ही जगह रखना, आप मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे बन जाता है। तो आपको इतना कर लेना और मैं पूरा प्रोजेक्ट अपना दिखाता हूँ जो मैंने किया। ऐसे आपको कहीं समझ में नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने बनाया था। सो यहाँ पे देख सकते हो वही फ़ोटो लगा हुआ, वैसा ही टेक्स्ट एनिमेशन है और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया था तो बराबर मिला लेना, इसलिए मैंने बोला था। यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से बीच में, और यहाँ पे फोटो एक लाइन से, फिर टेक्स्ट एनिमेशन, सबको एक एक करके जैसा साउंड था वैसा फ़ोटो लगाना है, वैसा लिरिक्स लिखना है। अब इतना कर लेते हो, एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद चलिए अब कैपकट ऐप में चलते हैं। सो गाइस मैं आगे हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पर कैपकट है, यहाँ पर सोलो वीपीएन है। ये दोनों ऐप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता
क्योंकि ये इंडिया में बैन है। ये आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, टेलीग्राम पे मैं पिन कर दूंगा इस ऐप को, कैपकट को, और ये सोलो वीपीएन का दे दूंगा क्योंकि ये प्ले स्टोर पे, क्योंकि वीपीएन इसलिए यूज़ करना होगा क्योंकि ये इंडिया में बैन है तो चलाने के लिए इसका ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले अपना नेट ऑन रख लेना, नेट ऑन रखने के बाद सोलो वीपीएन को ऑन करना है और यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। तो बस इतना करना है टैप और आपको एक कनेक्टिंग अपने आप ही हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से कनेक्ट होने देते हैं, ऐड आएगा तो उसे हम मिनिमाइज कर देंगे क्योंकि एक ऐड आता तो उसे कोई मतलब नहीं। यहाँ से डिसकनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ मिनिमाइज कर देना है। अब इतना कर देते हैं तो कैपकट ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, नया न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है और आपने जो लाइट मोशन से क्रिएट किया वो वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो वीडियो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे वीडियो आ गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कहाँ पे मेरा लिरिक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है, मैंने अभी जैसे बताया वैसा ही कीजिएगा। यहाँ पे बीच में हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ना टेक्स्ट है, सिर्फ फोटो चेंज हुआ। तो इस पर सेलेक्ट करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर आते हैं दूसरा लेना है, देखना है कि दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना पे रखेंगे स्प्लिट कर देंगे, बस इतना करना है। फिर आगे का आते हैं, यहाँ पे भी मैंने बीच में स्प्लिट किया था, टेक्स्ट चेंज हुआ था तो इसके चलते, तो इतना पे रखते हैं, इसको भी स्प्लिट कर देना है। सबको एक एक करके कर देना है। यहाँ पे जो लास्ट में है इसको डिलीट कर देना है, एक कैपकट का लोगो है तो इसको छोड़ देना। बस आपको स्प्लिट करना है, जहाँ जहाँ लिरिक्स चेंज हो, फोटो चेंज हो, वहाँ वहाँ आपको स्प्लिट कर देना है। यहाँ पे चेंज हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे ऐसे। अब आगे क्या समझ गए हो कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, सब जितना भी आप ये ट्रांजेक्शन दोगे तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन को ओपन करना है। यहाँ पे आप वीपीएन यूज करोगे तभी दिखेगा, आपको इधर स्लाइड करना है, एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको देना है तो दे सकते हो, ब्लैक फेड नहीं देना है तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर ब्लैक फेड दोगे तो ऐसे करके होगा, और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करना है और यहाँ पर टिक कर देना, तो सब में ब्लैक फेड ऐसे करके लग जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो और ऐसे आएगा। अब यहाँ पर इसका एनिमेशन देना है, इसके लिए फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे कॉम्बो पे आना है। कॉम्बो पे आने के बाद इधर स्लाइड करोगे तो बहुत सारा आपको एनिमेशन हर तरह का मिल जाएगा। तो आपको मेन एक ढूंढना है, जो सो मैं दिखा दे रहा हूँ, दो तरह का तीन तरह का ज़्यादा चलता है इसमें। सो यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा और इधर करते हैं, एक डिस्टोर्स राइट और लेफ्ट, तो यही मैंने लगा था। तो फर्स्ट में डिस्टोर्स राइट लगा देते हैं, ऐसे करके आएगा, और सेकेंड ये है तो इस पर आते हैं और रोक लेना जल्दी से, नहीं तो भागता है स्पीड में। तो यहाँ पे डिस्टोर्स लेफ्ट, अब बस यही दोनों को लगाना है ऐसे करके। और एक और रहता है पेंडुलम वन पेंडुलम टू, तो यहाँ पे शायद इधर ही है पेंडुलम वन और पेंडुलम टू, उसको भी ढूंढ सकते हो, उसको भी लगाना हो तो लगा सकते हो। बहुत सारा इसमें एनिमेशन है, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा चल रहा है वही चल रहा है। और एक ए पेंडुलम वन, सो यहाँ लगा लिए, और फिर पेंडुलम टू ए वाला है सो यहाँ लगा लेते हैं। बस इतना करना है और सब में एक लाइन से करके लगाना है, और डिस्टोर्स लेफ्ट और राइट, बस यही तीनों चारों इफेक्ट को लगाना है, आपका एनिमेशन बन जाता है। सो मैं पूरा कर लेता हूँ, पहले एक एक करके यहाँ पे डिस्टोर्स राइट और इसमें लेफ्ट करने, वो इतना जल्दी इधर आ जाता है, माउस से जल्दी से होता नहीं, लेफ्ट। बस इतना करोगे, यहाँ से टिक करना है और यहाँ से बैक। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एनिमेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो ऐसा ही ट्यूटोरियल मतलब वीडियो बना हुआ था। तो चलिए, आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।